भाई मैं और रमा यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं सीधा, हम अपनी पुरानी मेमोरीज। रमा ऑटो चलाओ ढंग से। तो अभी जो लोग डस्ट होते हैं, जो डस्ट देते हैं। And also we wanted to do it. Like for example, I've bunked one time school. नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, आज है सैटरडे वाला दिन एंड दिस विल बी वन ऑफ द रैंडम व्लॉग्स। मतलब इसमें आज हमारा कुछ भी प्लान नहीं है, हम सुबह उठे हैं और आज के दिन में जो भी होगा आप देखोगे एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। अभी सुबह के बज रहे 10:42 सुबह, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सैटरडे वाला दिन है तो बहुत लेट लेट तक सब उठे हैं। चाय एंड छोले बन रहे हैं एंड आज हमारे दिन घर में लोग आए हुए हैं और जो आए हुए उनका नाम नहीं है प्रशांत जोशी। हेलो प्रशांत। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गोइंग गुड। आई हैव टू बेस्ट फ्रेंड्स टुडे। प्रशांत को मैं बेस्ट फ्रेंड बोलती रहती हूँ क्योंकि मुझे काम होता है प्रशांत से, बट आई एम वन ओरिजिनल वन। हेलो, हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम आगे कैसी हो? ओह, फिर हम कहते मेरे मन में ला 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 ला। सो हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं एंड जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, वन ऑफ द रीजन दैट वी मूव लंडन एंड वी वर लाइक चलो अच्छा ही होगा, दैट वॉज रमा। और कल हमने पूरा लंडन भ्रमण किया और आज भी करेंगे। और मैडम ने दो बार बर्तन धो दिया हमारे घर में आके, हमारा डिश वॉशर नहीं चला। रमा यार तू घर में खाना बना रही है। सो दैट इज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वी हैव एंड हम किसी और को भी भाव देंगे इस लॉन्ग में। नहीं 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 नहीं, अब आप रमा के पति तो आपको आना पड़ेगा। हेलो, हाउ आर यू? आप इनको जानते होंगे, हाउ टू बाय हाउस इन लंडन, उसके एक्सपर्ट हैं। तो क्या प्लान किया आपने लंडन में आके, आज क्या करने वाले हो? आज तुमसे मिलने का प्लान है और बहुत सारा खाना खाने का प्लान है। सही में एक बहुत ही अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ सोच रहे हैं चलेंगे। तो उन्होंने हमें बताया, हम गए हुए थे एक बार लेकिन हमने बाहर से देखा तो हम सोचा आज जाएंगे। और मैंने काफ़ी सारी प्रेपरेशन कर रखी है, कोई आता तो मेरे को मन करता मैं ना कि मुँह में खाना ठूसती रहूँ। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। अभी हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन बिल्कुल खाली है और हम लोग एम्बैकमेंट पहुंच गए। यहाँ से हम लोग कैमडन मार्केट जाएंगे एंड फिर वहाँ पे घूमेंगे, फिर वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर आगे जाएंगे। और आज का दिन आएगा हम ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे यहीं घूमने वाले हैं। तो ओके चलो, जो जो होता है दिखाते रहोगे आपको। स्ट्राइप्स की थी, प्रशांत ने स्ट्राइप्स पहने। रमा पलटो, स्ट्राइप्स, सब लोग मैचिंग है। यहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ मीठा मीठा मिल रहा है, बड़ा टेस्टी टेस्टी। तो अभी हमने यहाँ से ऑर्डर किया है मैंगो एंड व्हाट्स दैट, बबल टी। कीचड़ डालिएगा ना उन्हें। मैं तो कितनी भी बार आ रही है तो यार, मैं 5-6 छठी बार आ चुकी हूँ। इट्स ओके, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ना एक शॉप है, शॉप का नाम है नमस्ते, ठीक है। और ये शॉप पे एकदम टिपिकल इंडियन सामान मिलता है, फ्रॉम धूपबत्ती टू अगरबत्ती टू वॉट एवर इज इंडियन, यहाँ सब मिलेगा आपको। एंड प्रशांत का क्या कमेंट है इसके बारे में? प्रशांत आपका कुछ कमेंट जा रहा था। मैं कह रहा हूँ यार, ये चद्दर वद्दर एक तो 8-10 फॉर्म की बेच रहे हैं। हाँ, एक तो महंगी है, एक तो इंडिया में बहुत सस्ती मिलती थी वो भी नहीं है, और इंडिया में मतलब ऐसे फैंसी भी नहीं थी, तो मतलब घर वाली चद्दर है। और यहाँ पूरा सामान ऐसे मतलब फेंगशुई वेंगशुई मिल रहा है और एकदम मतलब बुद्धा बुद्धा ये सब मिलता है। लालटेन दिवाली के सामान वगैरह शुरू हो चुका है। तो या दैट्स अ वाइब ऑफ कैमडन, तुम्हें वाइब समझ में आ रही है? एकदम फ्ली मार्केट टाइप है, जनपद टाइप आ गया, जनपद सरोजनी सबका मिक्स है। तो अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, फिर हम आगे खाने जाएंगे। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत खा लिया है तो वील मैनेज फाइन। ऑल्सो यहाँ पे ग्राफिटी बहुत सारी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा ग्राफिटी है तो काफ़ी सही लग रहा है। ऑल्सो ओके, लेट मी गो इस साइड। यहाँ पे भी देखो ये सारा ऐसे सुन सुन, तो ग्राफिटी है, काफ़ी 3D ग्राफिटी भी है। सही है, चले आगे। इतना सारा खाना है कि हम कंफ्यूज हो गए कि हम क्या खाएं। फ्रॉम मीत कितने सारे कंट्री का, वियतनामीज, चाइनीज, मतलब 8-10 कंट्रीज का तो आराम से है, वहीं 10 कंट्रीज का तो
और पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग खाना ऐसे दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं खा लूँ, लेकिन वो सारा ऑलमोस्ट नॉन वेजिटेरियन खाना है। चिकन खिलाते हैं और चिकन ले 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 ले। तो फिर प्रशांत को, तीन चार प्रशांत ने ट्राई कर लिया है, मैं आई थिंक अपने पास्ता ही खाने वाली हूँ। बट अदरवाइज यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से सजा रखा है, एकदम नेहरू प्लेस वाली फील है यहाँ पे। देयर इज नथिंग दैट यू शुड कंपेयर ऑफ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट लाइक दैट। तो काफ़ी सही है, अभी हम लोग आगे चलते हैं और वी नो वॉट वी हैव टू ईट। आई डोंट हैव मच ऑफ ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू फूड, तो मैं तो सॉर्टेड हूँ, बाकी लोग देख रहे हैं अभी अपना कि उन्हें क्या खाना है। बट यार लुक एट इट, काफ़ी सही है। प्रशांत इज देयर ऑलरेडी, हाय। नो वीडियो, नो वीडियो फर्स्ट, नो वीडियो। आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन। ओके, नो प्रॉब्लम। भाई हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ चूज लेने आए हैं, तो यहाँ पे चांदी ग्राम सॉल्टर ले लिया, तो हम लोग कुछ ले रहे हैं ऐसे हम देख रहे हैं। आई डोंट थिंक हम लेने वाले हैं, बट यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा कलेक्शन है छोटी छोटी चीज़ों का। प्रशांत ले लें यहाँ से कुछ कुछ। तेरा मैंने तो ले ले, रमा ने ले लिया, सॉलिटेयर ले लिया रमा। आज तो मतलब ये सोचेंगे हम क्यों आ गए यहाँ पे, बट आई एम लाइक सच थिंग, तो मेरे को लगता है खराब हो जाएंगे, मतलब पहन के। आई डोंट थिंक दूध शेल्फ लाइफ होती है इनकी। रमा ध्यान दोबारा दोबारा दोबारा, जो लोग डस्ट होते हैं, जो डस्ट देते हैं मेरी लाइफ में है थोड़े ऐसे लोग। लेकिन मैंने आजकल कटाना शुरू कर दिया, अगर मेरे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता ना, आई एम लाइक गेट लॉस्ट। तो पहले मैं बहुत ले लेती थी, नाउ आई रियलाइज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू टू डिग्रेडिंग इनटू सच सिचुएशन एंड देन डू इट। सो अब मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ। अभी मैं और रमा यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं सीधा, हम अपनी पुरानी मेमोरीज। रमा ऑटो चलाओ ढंग से। तो अभी रोहिणी सेक्टर 15, रोहिणी सेक्टर 15 जा रहे हैं हम। व्लॉग यही से हम स्कूल जाएंगे। प्रशांत हम स्कूल चल रहे हैं, चल रहे हैं। महाराजा कृष्ण की सवारी। तो अभी मैंने ये ऑर्डर किया, देखने में बहुत खूबसूरत है। दिस इज पास्ता और यहाँ पे ये लाइव पास्ता बन रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सा चीज बोला है, इस पे इसको मिक्स कर करके फिर हम लोग खा रहे हैं। काफी भूले, मतलब आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं खाने के, एंड मतलब लाइन से सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं। मैंने ये लिया और अभी बाकी जो लोग हैं सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कुछ कुछ खरीद रहे हैं। तो जब वो मिलते हैं वापस तब मैं आपको मिलवाती हूँ। बट दिस लुक्स वेरी कूल, मतलब बड़ा सा इनके पास चीज़ व्हील है और उससे ये बना है, लुक्स वेरी नाइस। हम लोग टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे फोटो स्पॉट्स हैं, तो हम अभी ऐसी फोटो वोटो खींच रहे हैं मैं और रमा। पता नहीं अब कब मिलते, कब कब मिलते हैं यार हम। और ऊपर भी ऐसे काफ़ी अच्छे हैं, ये काफ़ी फेमस है प्रशांत कैमरन का ये वाला स्ट्रीट ऐसे। काफी फोटोज खिंचाते हैं वहाँ पे बहुत सारी फोटोज रील प्रशांत ने बनाई, एक हमारे रिक्शे वाली रील, वो बहुत सही है। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और आज का दिन मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं हवाओं में थी और फिजाओं में थी और बहुत सारी हमने बातें की पुरानी। सो रमा कैसे, मजे आए तुम्हें आज? इट वाज गुड, वी वेंट टू मेफेयर, मेफेयर गए थे भाई तुम्हें हम, और गोविंदा रेस्टोरेंट गए थे। द फूड वाज ओके, फूड वाज ओके। आई थिंक वी हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उतना नहीं था बट इट वाज ओके, वन टाइम वाज ठीक था। फिर अपन लोग मेफेयर गए, फिर हमने हमने महंगी महंगी गुठियाँ देखी, महंगे महंगे बैग्स देखे, महंगे महंगे जूते देखे, फिर हमें रियलाइज हुआ कि ट्रेन से वापस चले जाते हैं, चलो वापस घर चलते हैं हमने। व्हाट सही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। मतलब एक तो ना, एक होता है एक्सपेंसिव, मतलब देयर इज सर्टेन लेवल दैट यू कैन जस्टिफाई फॉर इट, बट मेफेयर इज अ प्लेस इन लंदन व्हिच इज बहुत बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चार बार प्रशांत मैं 10 प्रशांत जैसे पता नहीं है प्रशांत के, तो कैमरा भूल गई थी। हाँ मैं अपना कैमरा भूल गई थी और मैं उस जगह का बहुत बार ब्लॉग बना चुकी हूँ, वांट टू रिपीट एवरी टाइम, यू नो इट्स द सेम थिंग। ऑल्सो देयर इज दिस फ्रेंडशिप दैट आई वांट टू पुट एम्फेसाइज ऑन। तो आज हम बात करेंगे रमा, क्योंकि थोड़ा कंटेंट दे दो, चार मिनट का बना है, पाँच सात मिनट का बता दो, बेशरम की तरह मैं कॉन्टेंट मांग रही हूँ। तो बताओ मुझे कि वॉट इज द फाउंडेस्ट मेमरी, चलो अब मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लेगा, फाउंडेस्ट मेमरी ऑफ मी, आई थिंक अदर देन स्कूल, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, बट अदर देन स्कूल इट वॉज ट्यूशन, ट्यूशन था है ना, दैट टू थुगेड़ा वाला कश्मीरी सर की ट्यूशन है, थुगेड़ा वाला तो हमारे टीचर का नाम ने थुगेड़ा नाम रखा था, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ एक कश्मीरी सर थे थुगेड़ा वाले ट्यूशन पे, तो हम वी जस्ट वेंट फॉर लाइक 15-20 डेज, वी वर लाइक वी कांट सरवाइव देयर, इट वाज टू मेनी पीपल। हाँ छोड़ो, तो कश्मीरी सर के पास हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने, वो हमारे स्कूल के सर थे लेकिन हमें ट्यूशन पढ़ाते थे और हमने किसी को पता नहीं रखा था एक साल तक,
सब किसी को बताया नहीं था। और हम बहुत फन करते थे, बहुत फन करते क्लास में। वी वर लाइक 5-6 किड्स और हम लोग मस्ती करते थे और हम लोग कभी कभी बंक भी करते थे। 12th स्टैंडर्ड और हम लोग बंक भी करते थे। बंक एज इन बंक नहीं, हम लोग बहुत स्ट्रैटेजी बनाते थे। हम घर के बाहर का जो दरवाजा वो बंद कर देते थे। एक बंदा घर के, दो बंदे घर के बाहर रह के उसको लॉक कर देते थे और हम लोग बोलते थे सर हम वेट कर रहे हैं राजन का, पता नहीं कोई है ही नहीं घर पे। और ऐसा हमने बहुत बार नहीं किया, एक दो बार किया ऐसे। हाँ, हम बुरे किड्स नहीं है। इतने बुरे क्यों बने? It was just one or two time, but it was fun. It was something. And also we wanted to do it. Like for example, I bunked one time school. I think you were also there with me. No, you were not there. I was with Sakshi maybe. I was not there. But I've done it once to feel exactly. I don't want to miss out on the fact that कल को मैं बोलूँ कि मैंने नहीं किया। आज हम बोल पा रहे हैं ये चीज़ें कि हाँ हमने टीशर्ट। क्या पता था हमें उस वक्त हमें कंटेंट मिलेगा और हम ऐसे बकवास करेंगे। और there was this time when Rama was very upset with me. That was जब मैं रमा की शादी में नहीं आई थी and I still regret that. But no, that was 12th का business studies का exam. हाँ वो भी। तो I'll tell you उसमें क्या हुआ था कि मेरी business studies अच्छी थी, रमा की average थी, लेकिन रमा और मैं आगे पीछे बैठे थे और रमा को मैंने कुछ answer नहीं बताए थे, तीन बताए थे एक नहीं बताया था। रमा was upset with me. It was board के exam. It was board के exams. Can you believe it? I still did it for her. तो फिर मैंने नहीं बताया, फिर लेकिन वो मुझसे अपसेट हो गई थी। फिर मेरे को मैंने बर्थडे पे भी कॉल किया था, इसने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया था। बट फिर बाद में जब नंबर आया तो उसके मैसेज 7 या 8 नंबर ज़्यादा थे। एंड आई वाज लाइक डूड व्हाट। या आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट वी मूव्ड लंदन इज बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि यहाँ पे देयर इज समबडी हु यू कैन रिलेट टू कम्प्लीटली। आई गेस दैट इज द गुड एडवांटेज। और या तुम्हें मजा आया आज? बहुत। वी शुड मीट मोर ऑफन। है ना? को कितना इग्नोर्ड फील हुआ बाय द बैच? बिल्कुल नहीं, मेरे को मजा है। शायद लाइक आज मुझे कंटेंट नहीं देना, मेरे पे ऋतु का फोकस नहीं है। ही फील्स वेरी वेरी नाइस। ही फील लेफ्ट आउट बाय मैम है। मैंने दोनों बोलती बेस्ट फ्रेंड दोनों पीछे पलट के देखते हैं। मैंने बोला दोनों या मैं किसको मक्खन लगाऊं। एनीवेज बट आज काफी मजे आए। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया। आई एम श्योर बहुत छोटा व्लॉग बना, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट ठीक है मुझे इतना समझ में मैंने बनाया। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। तुम भी बोल दो सब्सक्राइब कर दे यार, 150K सब्सक्राइब कर दे। बहुत मेहनत करते हैं ना ये लड़की, बहुत मेहनत कर रही है। ओके डा, बाय बाय।